India fires a long-range intercontinental ballistic missile capable of carrying a nuclear warhead. It will strengthen. Agni 6 तैयार है और Agni 6 क्या है? ये है MIRV, M-I-R-V, MIRV, Multiple Independently Targeted Weapons Re-entry Vehicle, यानी मिसाइल फायर होगा और वो सैटेलाइट की वजह उसकी गाइडेंस से ऊपर जाएगा. सैटेलाइट उन्होंने खास तौर पे इसके लिए बनाया. स्पेस में जाएगा, स्पेस से री एंट्री होगी, जितना स्पेस में ट्रेवल होगा अनडिटेक्टेड होगा, फिर री एंटर करेगा मल्टीपल टारगेट. 1500 किलोग्राम तक का ये बारूदी मवाद अपने साथ ले जा सकता है, तंबाकू मवाद, और रॉकेट के फार्मूला के ऊपर ये बना हुआ है. इसकी रफ्तार बहुत तेज है, 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है. भारत जो है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है. लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है. लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल एनसीटी के नए वीडियो में. दोस्तों, भारत लगातार अपने डिफेंस को इतना ज़्यादा मजबूत करते जा रहा है और इतने ज़्यादा नए नए टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस के अंदर में भारत ला रहा है कि उसको देख के पाकिस्तान और चाइना दोनों की होश उड़े हुए हैं कि आखिरकार भारत किस चीज़ से लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए इतना ज़्यादा अपने को मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है. जैसा कि आप लोग पता है कि पिछले दिनों रसिया से S-400 मंगवाया गया, फिर उसके बाद विक्रांत जो एयरक्राफ्ट है वो बनाया गया, और अब अग्नि 6 का भी निर्माण हो गया है. इन सब के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारत के डिफेंस पे ही पड़ी हुई है कि आखिरकार भारत जो है वो अपने डिफेंस के हर एक पार्ट को, यानी कि आर्मी हो या फिर नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, हर चीज़ को इतना ज़्यादा मजबूत करते जा रहा है कि किसी भी देश को उससे टक्कर लेने के लिए सोचना पड़ेगा. तो दोस्तों, देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं इस पे पाकिस्तानी जो मीडिया है और इसका क्या राय है. इंडिया नाउ हैज मोर एक्यूरेट प्रिसाइज अटैक्स ऑन सेलेक्टेड टारगेट्स. इंडिया देन जॉइंस ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद दीस कैपेबिलिटीज. दैट्स राइट रिचर्ड, हु वी कैन क्लियरली सी. अग्नि 6 तैयार है और अग्नि 6 क्या है? ये है MIRV, 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 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड वेपन्स री एंट्री व्हीकल, यानी मिसाइल फायर होगा और वो सैटेलाइट की वजह उसकी गाइडेंस से ऊपर जाएगा. सैटेलाइट उन्होंने खास तौर पे इसके लिए बनाया. स्पेस में जाएगा, स्पेस से री एंट्री होगी, जितना स्पेस में ट्रेवल होगा अनडिटेक्टेड होगा, फिर री एंटर करेगा मल्टीपल टारगेट को हिट करेगा. 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है. लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है. लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है. इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है. यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंके तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा. मिनट्स के अंदर जो है वो मिसाइल इधर से उधर जा सकता है. और पिछला दौर गुजर गया कि जब उसका जो पेलोड था, जो न्यूक्लियर वॉरहेड था, वो अलहदा जगह पे रखा जाता था और उसका लॉन्च अलहदा जगह पे होता था. उनको फायर करने के लिए 6 घंटे लगाने पड़ते थे नट बोर्ड लगा के. अब ऐसा नहीं है, अब वो कैनिस्टर में तैयार आता है कि आधे घंटे के नोटिस पे उसको फायर कर दिया जाए. वाकई ही भारत जो है स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए. लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है. और पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे बड़े खतरे की क्या बात है? उनकी सोच जिसकी बिना पर जो पॉलिटिकल कमिटमेंट उनकी है गलत, उसकी बुनियाद पर वो वेपनरी तैयार कर रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर रहे हैं. आपको पता है 2016 में उन्होंने 12 मिसाइलों के टेस्ट किए, वो सारे मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते. अपनी एयरफोर्स को तगड़ा किया था, एक्सरसाइजेस की थी, ये सारा काम करने के बाद अपनी आर्टिलरी को वहां पर पहुंचाया, डिपोज बनाया. जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपके साथ बतौर मोर्चा जो चीज मूव कर रही होती है आपकी फौज के साथ, वो टैंक होता है. अगर आपके अंदर फिजाई बर्तरी आपके पास मौजूद है, यानी हवा में अगर आप तगड़े हैं, तो जमीन पे आपका टैंक जबरदस्त काम करता है, मैदान में लेकर आता है,
जो हथियार बड़े खौफनाक होते हैं। मिसाल प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है, या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके, क्योंकि COVID-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो किस कदर खतरनाक सिचुएशन होगी, खास तौर से इतनी हॉकिश गवर्नमेंट, जाहिराना इश्तियाल अंगेज उनके हाथ में ये डुगडुगी थमा दी जाए। है कि वो पाकिस्तान और चीन से आगे निकलकर अब यूरोप और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इससे अंदाजा होता है कि जो अमेरिका की बालादस्ती है वो इस वक्त खतरे में पड़ गई है, इस लिहाज से कि वो जो मगनी अब उसके जो प्रोग्राम का अगर जायजा लिया जाए तो वो 8,000 किलोमीटर तक की रेंज का वो मगनी बनाने जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम जो इसकी इश्तियाल अंगेजी और जो ताकत बनाने का अपनी फौजी ताकत बढ़ाने का जो जुनून उस पर तारी है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा जो असला खरीदने वाला मुल्क भी वो बन गया। ट्रेंड कम से कम बातों में शुरू हो चुका है, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में। प्यूटिन ने ट्वीट किया कि पुरानी पॉलिसी ऑफ सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन को खत्म किया जाए या कमजोर किया जाए, और हमें अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना चाहिए। जिसके जवाब में अभी तक जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने भी इस पर जवाब दिया। अब ये सूरतेहाल भारत ने क्यों पैदा की? इसलिए भारत ने ऐसा किया कि भारत को ये लगता है रोकने के लिए उन हथियारों को मैदान में लाया जाए जिससे हम चाइना को डराएं कि अगर जंग होगी तो हम भी तबाह हो जाएंगे, तुम्हें भी तबाह कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना को इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जो है वो कोई जंगजू कौम नहीं है। भारत अभी पाकिस्तान के साथ जंग छेड़े तो चौथे पांचवें दिन भारत में एहतजाज शुरू हो जाएगा, जंग बंद करो, जंग बंद करो। उस तरह का मुल्क है भारत के अंदर जंगी जुनून वैसे तो है, मीडिया वगैरह के अंदर के साथ कभी नहीं खेलेगा जो हथियार खुद एक खुदकुशी का लेवल रखते हैं। उन्होंने अपना कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन को किसी हद तक डिसेंट्रलाइज कर दिया है, और बहुत छोटे लेवल पे दे दिया है। और बहुत छोटे लेवल पे दे दिया है विद द गवर्नमेंट, जो आज गवर्नमेंट ऑफ द डे है, रिस्क टेकिंग गवर्नमेंट, जो फ्लैम पॉइंट किस्म की गवर्नमेंट होती है, कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो इंडिया को मार्च 2016 में जब उन्होंने K-4 मिसाइल अपनी सबमरीन अरिहंत से फायर किया था, तो वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के क्लब में शामिल हो गए। या भारत की फौज अपने आप पर इन्हिसार नहीं कर रही, और उन्होंने एक स्पेशल चीज जो है वो उससे आगाज कर लेते हैं कि चाइना ने अपने टैंक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बिलाखिर पहुंचा दिए हैं। देखिए, चाइना ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जगह बनाई थी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेकर गया था, अपनी मिसाइल साइट्स वहां पे बनाई थी, अपना जो फ्रंट लाइन सोल्जर था उनको तगड़ा किया था। कुछ है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। उनके सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये रूलिंग क्लास की, रूलिंग पार्टी की, उन्होंने बयान दिया है आके कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, यह देखकर कि आखिरकार भारत अपने डिफेंस में लगातार इतने अच्छे अच्छे मिसाइल्स और इतने अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों अपने डिफेंस के अंदर में अपना रहा है। और अभी तुरंत ही कुछ दिन पहले ही विक्रांत INS का उसने अपने नेवी के अंदर में भारत ने उसको इंक्लूड किया है, और उसके बाद अभी एक ऐसा मिसाइल बना दिया है Agni-6, जिसको देख के फिर से पाकिस्तान का जो दिल है वो दहल उठा है। और पाकिस्तान के अंदर में हमेशा जब भी भारत अपने डिफेंस के अंदर में कोई चेंजिंग लाता है, उसके बाद पाकिस्तान को ज़रूर ऐसा भनक लग जाता है कि कहीं हमारे ऊपर तो कुछ कार्रवाई भारत नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है, और समय आते ही पाकिस्तान पे चढ़ाई करके उसका POK और बलूचिस्तान को भी आज़ाद करा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।